हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेड़ की पत्तियों में जो है धारियाँ क्यों पाई जाती है, उस धारी का कोई इस्तेमाल भी होता है, या फिर वो धारी किसी काम में आती हैं, या फिर वो पत्ते की डिज़ाइन के लिए बनाया गया है प्रकृति के तरफ से। दोस्तों, सो आइए उसके बारे में जानते हैं कि पेड़ के पत्तियों में जो है धारियाँ क्यों पाई जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा या अक्सर आप देखते होंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर लाइनें यानी धारियां पाई जाती हैं, चाहे किसी भी प्रजाति के हो और पत्तियों का आकार कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें धारियां जरूर पाई जाती हैं। पेड़ पौधों में पोषण की प्रक्रिया, जैसे कि आप जानते हैं, पत्तियों को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, यानी यहाँ पर पेड़ पौधों का खाना बनता है। लेकिन हम खाना बना हुआ किस प्रकार से पेड़ के पौधों के प्रत्येक भाग में जाता है या पहुँचता होगा, तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, यानी खाना तो बन जाता है, लेकिन उसका परोसा कैसे जाता है, उसके बारे में भी हमें जानना है। पेड़ को तह जिस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक ब्लड या रक्त वर्ग पहुँचाने के लिए धमनियों एवं सिराएं आर्टरीज एंड वेंस पाई जाती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे की पत्तियों में भी सिराएं पाई जाती है। ये सिराएं पौधे के प्रत्येक भाग तक कदा भोज्य पदार्थ बने पहुंचाने का कार्य करती है। इनमें एक मुख्य सिरा होती है जो कि बहुत सारी शाखाओं में बटी होती है। यह सिराएं पत्तियों में एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होती है, जिसे सिरा विन्यास वेंटेशन कहा जाता है। यह सिराएं मुख्य रूप से दो प्रकार में व्यवस्थित होती है, जालों कावत कहता क्या है कि रेटिक्यूलेट, जैसे आम नीम आदि, समांतर जैसे केला आदि। सिराएं कैसे बनी होती हैं? यह सिराएं एवं विशेष प्रकार के उत्तक से बनी होती हैं, जिसे फ्लोएम कहते हैं। यही उत्तक शरीर के प्रत्येक भाग तक भोज्य पदार्थों का सम्मोहन करता है, और जबकि पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जो है पानी पहुंचाने का काम जाइलम करता है। इसे आसान भाषा में याद रखने के लिए या समझने के लिए दोस्तों, इसका एक ट्रिक है। जाइलम का मतलब हुआ जो जल का संवहन अधिक करता हो। दूसरा, फ्लोएम का जो है कहता क्या है कि फूड का संवहन अधिक करता हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपका जो सहयोग मुझ पर बना रहे। धन्यवाद।